नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंधेशक न्यूज़ में। अंधेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। शिक्षा विभाग से लेकर हाजिर है आज की ताज़ा अपडेट। क्या है आज की खास खबर, दिखाएंगे इस वीडियो में। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर चलने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल की हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सामान्य साथियों, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज का ये बड़ा समाचार। लंबे इंतजार के बाद आदेश जारी हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एवं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने के संबंध में ये आदेश आ चुका है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के लिए। तो साथियों, 26 सितम्बर का ये आदेश है और इसमें लिखा गया है, महोदय कृपया कार्यालय के पत्रांक महानिदेशक इतने इतने 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एवं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने के संबंध में है। उक्तानुसार शिक्षक अब्लिक शिक्षा मित्रों अब्लिक अन्वेषकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी एवं ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने के संबंध में अद्यतन की गई कार्यवाही प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अविलंब अवगत कराने का कष्ट करें। भवदीय विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। साथी, ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संतोष यादव जी हैं। आज हमारे बीच नहीं रहे, इन्होंने आर्थिक तंगी से जूझकर आत्महत्या कर ली। जी हाँ साथियों, ये शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थे और लगातार मानसिक आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। परेशान होकर इन्होंने अपनी जान दे दी। साथियों, हम नहीं कहते कि किसी को अपनी जान देना चाहिए, जान की कोई कीमत नहीं होती है। और जो लोग आत्महत्या करते हैं वो आवेश में आकर गलत डिसीजन लेते हैं और छोड़ जाते हैं परेशान होने के लिए अपने पीछे पूरा परिवार। समान न्यूज़ एजेंसी से ये फरीदाबाद से समाचार आ रहा है। मानसिक रूप से थे परेशान, सरकारी अध्यापक से बना और उसके बाद फिर उनको शिक्षा मित्र बना दिया गया। मृतक संतोष यादव का शव घर में फंदे से लटका मिला। आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिक्षा मित्र ने घर में फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव गड़सान निवासी संतोष यादव 40 वर्ष कुछ समय पहले सरकारी अध्यापक थे। कुछ समय नौकरी करने के बाद सरकार ने उनका समायोजन रद्द कर दिया और पुनः उन्हें शिक्षा मित्र बना दिया गया। इसके चलते वे मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे, आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। आर्थिक संकट से परेशान होकर उन्होंने शुक्रवार रात घर के अंदर कमरे में रस्सी पर लटक कर अपनी जान दे दी। जानकारी होने पर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक लोगों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर शव को फंदे से उतार लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष नसीरपुर गगन गौड का कहना है कि शिक्षा मित्र ने फंदे पर लटक कर आत्महत्या की है। वह पहले सरकारी शिक्षक था, बाद में शिक्षा मित्र बना दिया गया। इसके चलते वह आर्थिक रूप से परेशान चल रहा था। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया गया है। तो साथियों, ये इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज के लिए एक नकारात्मक संदेश देने का काम करती है। हमारी रिक्वेस्ट, आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो ये थी खास खबर, बने रही हमारे साथ अंधेशक न्यूज़ पर। अंधेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।